नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय हमारा पर्यावरण यानी आर एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण अध्याय में हम पढ़ेंगे पहले जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दूसरा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, तीसरा आहार श्रृंखला यानी फूड चेन, चौथा ओजोन। चलिए पढ़ते हैं जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से गलने या टूटने लगते हैं। उदाहरण सब्जियों और फलों के छिलके, कागज सामग्री आदि। अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से खराब नहीं होते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, धातु और एल्यूमिनियम के डिब्बे, जहरीले रसायन, पेंट, टायर आदि। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। सभी परस्पर क्रिया करने वाले जीव पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र में जैविक घटक होते हैं जिसमें जीवित जीव और अजैव घटक शामिल हैं। तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिजों जैसे भौतिक कारक। यहाँ पर पारितंत्र को एक साइकिल के रूप में दिखाया गया है। पहला लोग जैसे मछुआरे, उद्योग करने वाले लोग। मुद्दे जैसे प्रदूषण के कारण मछली के जीवों का मृतीकरण। तीसरा जानवर जैसे बाघ, कुत्ता, मछली, पक्षी। चौथा गतिविधियां जैसे डंपिंग, औद्योगिक अपशिष्ट, सिंचाई। पर्यावास जैसे बांध, ताल। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन। यह दोनों तस्वीरें एनसीईआरटी हिंदी एडिशन से ली गई है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सबसे नीचे पेड़ पौधे हैं, उनसे ऊपर कुछ ऐसे जीव जो कि पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, उनसे ऊपर कुछ ऐसे जीव है जो कि यह इन जीवों का सेवन करते हैं, उनसे ऊपर कुछ ऐसे जीव है जो कि अधिकतर नीचे वालों का सेवन करते हैं, और सबसे ऊपर ऐसे जीव जो कि इन सब का सेवन करते हैं जैसे बाघ। इनको हम उत्पादक कहते हैं, इनको प्राथमिक उपभोक्ता और इनको द्वितीय उपभोक्ता और सबसे ऊपर वालों को तृतीय उपभोक्ता। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनकी संख्या कम होती जाती है। उत्पादक सूर्य की किरणों से ऊर्जा बनाते हैं और यह सब ऊर्जा गर्मी के रूप में छोड़ते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। कुछ विकिरण पृथ्वी एवं वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं। कुछ इंफ्रारेड विकिरण वायुमंडल से होते गुजर जाते हैं। पृथ्वी की सतह से विकिरण अवरक्त उत्सर्जित होता है। सौर विकिरण स्वच्छ वायुमंडल से गुजरती है। अधिकतर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हो जाते हैं तथा इसे गर्म कर देते हैं। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन पृथ्वी के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है।
ओजोन एक घातक गैस है, परंतु ओजोन एक आवश्यक गैस है क्योंकि यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओजोन कैसे बनती है। पहले O2 यानी ऑक्सीजन गैस यूवी रेस से रिएक्शन करके दो ऑक्सीजन में टूट जाती है। उसके बाद एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर ओजोन बनाते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? सारांश: जैव निम्नीकरणीय, सब्जियों और फलों के छिलके, कागज सामग्री, अजैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक, धातु और एल्यूमिनियम के डिब्बे, जहरीले रसायन, पेंट। पारितंत्र: सभी परस्पर क्रिया करने वाले जीव पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। आहार श्रृंखला: पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। शब्दावली यानी वोकैबुलरी, सारांश मतलब समरी, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।